स्वातंत्र्यवीर सावरकर इस फिल्म को लेकर बहुजन पत्रकार इनका बड़ा बयान आया है। कहा, फिल्म की कहानी अगर आगे बढ़ी तो हो जाएगी बहुत गड़बड़। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज के एक पत्रकार दिलीप मंडल, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने यह लिखा है कि अगर स्वतंत्र वीर सावरकर इस फिल्म की कहानी अगर आगे बढ़ी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। विनायक दामोदर सावरकर, इनके जीवन को लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर यह फिल्म आ रही है जिसमें रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। आज स्वतंत्र वीर सावरकर इनके जन्मदिन के मौके पर रणदीप हुड्डा ने ट्वीट किया। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार, बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल, इन्होंने यह लिखा है कि यह अगर यह कहानी आगे बढ़ती है तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। उन्होंने लिखा है कि मेरा निवेदन है कि इस कहानी को वही स्टॉप कर दे जब सावरकर अंडमान के जेल में पहुंचते हैं। कहानी उससे आगे बढ़ी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद सावरकर सिर्फ माफी वीर नहीं बनते, वे राष्ट्रीय एकता के दुश्मन के तौर पर भी सामने आते हैं। फिर गांधी की हत्या भी होती है और सब छिपाना भी पड़ेगा। आपको यह बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर 1911 से 1924 के बीच अंडमान के जेल में रहते हैं और ऐसे में इतने सालों में वो 5 बार माफीनामा अंग्रेज सरकार को लिखते हैं, माफी मांगते हैं। और इसीलिए दिलीप मंडल द्वारा ही नहीं तो तमाम बहुजन आंदोलकों के द्वारा, जो हिंदुत्व की संकल्पना को नहीं मानते, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को नहीं मानते, वो तमाम लोग यह मानते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर यह स्वतंत्र वीर ना होकर यह माफी वीर हैं। और इसीलिए दिलीप मंडल, इनका यह कहना है कि अगर यह कहानी आगे बढ़ी तो वहाँ पर तमाम चीज़ों को लिखना पड़ेगा। वहाँ पर गांधी जी को के बारे में भी लिखना पड़ेगा, गांधी जी की हत्या के बारे में भी दिखाना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो उन्होंने 5 बार माफ़ी अंग्रेज सरकार से मांगी, ब्रिटिश सरकार से मांगी, यह भी दिखाना पड़ेगा और उसके बाद बवाल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने यह कहा है कि इस कहानी को वहीं पर स्टॉप कर दे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।